सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, ध्यान समझिएगा। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, वो बताने जा रहे हैं डिवाइड, ठीक है। बट ये डिवाइड जो है वो कैसा डिवाइड है, ये डिवाइड है एक्स मतलब वेरिएबल्स का डिवाइड। देखो कॉन्स्टेंट का डिवाइड तो सबने करा है, तो यहाँ वेरिएबल्स का डिवाइड करेंगे। और मेरे ख्याल से इस डिवाइड में भाई जो जो नाइन्थ से ही आता है, नाइन्थ क्लास का बच्चा, टेंथ क्लास का बच्चा, या भी जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो बच्चा, सबको इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब ध्यान से इसे समझेंगे कैसे करना है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा भाई। जो भी कमजोर बच्चे हैं उसे मुझे पता है कि इस डिवाइड में सभी को मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम होती है, तो आप ध्यान से इसे समझिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये ले लिया एक पॉलिनोमियल, और ये एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया बहुपद जिसे बोलते हैं। अब ये देखो पी वाई बहुपद को जी वाई बहुपद से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ना, बेसिक चीज एकदम। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है बेटा, इसको कट करना है। देखो आपने देखा होगा, एक बात बताइए मुझे आप, मान लो ये 8 है और ये क्या है 2 है, तो ये कैसे कट करेंगे आप बेटा, 2 4 8, ठीक है। एक मिनट देखिए बच्चा, तो यहाँ पर क्या है, हम नॉर्मल तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। देखो अब ये नंबर है हमारा, ठीक है, जब इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है बताइए आप जी। सिंपल, आपको पता है आपने क्या करा, यहाँ पे मान लो 4 लिखा और इस 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दी और ये 8 आ गया, आंसर सिंपल, कोई दिक्कत। बट यहाँ पर एक्स है, अब एक्स की टेबल तो आपने कभी सीखी नहीं है और ना कभी होती है दुनिया में कोई टेबल एक्स की, तो क्या करा जाए भाई, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा बेटा, इसका एक प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस, बहुत ईजी, आराम से समझ पाएंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है बेटा, ठीक है, इस नंबर को क्या करेंगे हम, इस पहले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। देखो मुझे ये रिमूव करना है ना, काटना है ना भाई, टेबल में क्या करा आपने, जो नॉर्मल वैल्यू तो उसमें क्या करा था आपने, काटा था। तो इस वाले नंबर को इससे पहले क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड करेंगे बच्चा, 2y की क्यूब अपॉन में y। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताएं, शाबाश, अच्छा जी कोई बात नहीं, चलो तो डिवाइड करते। देखो क्या y से ये 3 है तो कट गया 1, तो क्या बचा हमारे पास, 2y स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को, या तो फिर आप अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y की क्यूब का मतलब 3 बार है ना भाई, y को क्यूब का मतलब 3 बार y की मल्टीप्लाई, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, वैसे ये बेसिक चीज़ है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1y कट गया तो क्या बचा, 2y स्क्वायर, 1 1 2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 8, ठीक है। तो यहाँ तो चीज़ समझ में आ गई, चलो जी कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ बच्चा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2y स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, ये 2y स्क्वायर जो है, 2y स्क्वायर जो है, ये जो मैंने लिखा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ही लिख देता हूँ, 2y स्क्वायर ब्रैकेट में y-1, जो भी यहाँ लिखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने बताया था 4 2 8 करा था आपने, है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो हाँ 2y क्यूब, और ये किसमें हो जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है, चलो जी अब देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y क्यूब है ना, और माइनस का 2y स्क्वायर, सॉरी। अब क्या होता है बच्चा, यहाँ पर देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है हमारा, प्लस है। तो अब इसका अगला स्टेप होता है, यहाँ पे साइन को चेंज करा जाता है, ठीक है, साइन को क्या करा जाता है, चेंज करा जाता है। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या लिखेंगे बच्चा, माइनस लिखेंगे, ये साइन हो गया चेंज, यहाँ पे साइन हो गया चेंज। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला साइन भूल जाओ, ये वाला साइन क्या कर जाओ, भूल जाओ, उसी कहानी खत्म, अब साइन चेंज हो गया तो कहानी खत्म हो गई। तो देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया, ये प्लस और ये प्लस क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2y और 1y कितना हो गया, 3y, माइनस 2y और माइनस 1, इसको एज इट इज नीचे उतार लिया मैंने, ठीक है। अब अगला स्टेप मैंने क्या बताया बच्चा, सेम, अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड, इसे काटना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 3y स्क्वायर अपॉन में y, तो 1y से y कट गया, क्या बचा गया 3y, यहाँ तक कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे, 3y को y1-1 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ तो क्या आएगा बच्चा, 3y स्क्वायर माइनस 3y, ये आ रहा है वीडियो में, देखो आ रहा है,
ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y² माइनस 3y, साइन क्या होगा बच्चा, चेंज होगा साइन, तो कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, शाबाश, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन किसका होगा जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 3y, क्योंकि ये तो भूल गया तो खत्म हो गया, तो 3y में से 2y गया तो y प्लस y, क्योंकि ये बड़ा है प्लस का, ये साइन खत्म अब, ठीक है, प्लस y, और यहाँ पे ये माइनस एज इट इज उतर जाएगा, कोई दिक्कत, अब सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है आपको, देखो y प्लस y माइनस वन, y माइनस वन, अगर इसे डिवाइड मारेंगे y से y को तो क्या आएगा बच्चा, वन, y से y को डिवाइड करते तो वन आता है डिवाइड में, ठीक है, तो इसका मतलब अब सॉरी यहाँ वाले मैंने टर्म नहीं लिखी, 3y वहाँ मैंने लिखी नहीं थी मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया वन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट ही वन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, वन इंटू दिस, तो वाई माइनस वन, तो यहाँ पे आ गया वाई माइनस वन, अब क्या करेंगे बच्चा, साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस, उसके बाद देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, जीरो, यानी रिमाइंडर आ गया जीरो, अब हम रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब यह है कि ये हमने पूरी तरीके से उसे डिवाइड कर दिया, मतलब कि जो जी वाई है जो इसका क्या है, जी वाई जो इसका क्या है, फैक्टर है, जी वाई क्या है इसका फैक्टर है, ठीक है, ठीक है बच्चा, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ वीडियो करने से कमेंट जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें, बहुत अच्छी तरीके से आपको एकदम बेसिक, सारे जो बेसिक है ना आपके, समझ लीजिए एकदम हम जो हिल रहे हैं उसे सही कर देंगे, मतलब बेसिक हिला देंगे एकदम, ठीक है, चलिए सभी को मेरा राम राम।